हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, वेलकम टू द कमेंट सेक्शन ऑफ आवर चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगा और उसका रिप्लाई भी करूंगा, और इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। आप कमेंट्स में और ईमेल्स में मुझे बताते हैं कि ये कमेंट सेक्शन है, इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो जो लोग ये कमेंट सेक्शन में नए हैं, वो जो लोग नए इसे देख रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, इसे पूरा लास्ट तक देखिए। इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियोस की सभी अपडेट्स आपको रेगुलर मिलती रहे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए लेता हूं मैं सबसे पहला कमेंट। सबसे पहला कमेंट है विनोद रावल का। इन्होंने लिखा है, सर क्या स्टोरी में डायलॉग लिखना चाहिए? नहीं, स्टोरी में डायलॉग्स नहीं लिखने चाहिए। स्टोरी में आपको कोशिश करना चाहिए कम से कम डायलॉग्स लिखने की। आपको डायलॉग्स स्क्रीन प्ले में लिखना चाहिए, स्क्रिप्ट में लिखना चाहिए। और जहां तक स्टोरी की बात रहे, तो स्टोरी में आप सिर्फ मेन डायलॉग्स को लिखें, जो फिल्म के एकदम ही मेन डायलॉग्स है उसे ही आपको लिखना चाहिए। बाकी स्टोरी जो है वो बगैर डायलॉग के ही रहती है। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है स्टार प्रोडक्शन का। इन्होंने लिखा है, भाई क्रिएटिव डायरेक्टर के बारे में डिटेल्स वीडियो बनाओ ना प्लीज़। देखिए, क्रिएटिव डायरेक्टर जो है ऐसा कुछ टर्म ही यूज़ नहीं होता है फिल्म मेकिंग में। यानी फिल्म मेकिंग में क्रिएटिव डायरेक्टर कोई होता ही नहीं है। होता तो है, वो प्रोडक्शन डिज़ाइनर होता है। यानी जो क्रिएटिव डायरेक्टर का जो काम होता है वो प्रोडक्शन डिज़ाइनर करता है। तो ये जो टर्म है क्रिएटिव डायरेक्टर, ये यूज़ होता है दूसरे चीज़ों में, लेकिन फिल्म मेकिंग में इस टर्म का यूज़ नहीं होता है। क्रिएटिव डायरेक्टर नहीं होते हैं फिल्म्स में। फिल्म्स में क्रिएटिव डायरेक्टर का जो काम होता है वो करते हैं प्रोडक्शन डिज़ाइनर। और प्रोडक्शन डिज़ाइनर का काम होता है कि वो पूरे डिज़ाइनिंग करता है सेट्स की, या फिर लोकेशंस की, या प्रॉप्स का डिज़ाइनिंग करता है, ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग करता है। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है नरेश मंडले का। इन्होंने लिखा है, असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के लिए कितना क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के लिए मिनिमम आप ग्रेजुएशन क्वालिफाइड होने चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि आप कोई भी डायरेक्टर के पास जाते हैं, उन्हें बोलते हैं कि आप उन्हें असिस्ट करना चाहते हैं, तो वो ये चीज़ ज़रूर देखते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं। तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए ग्रेजुएशन। तो आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद फिर आप असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अप्लाई कीजिए। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है किशन राजपूत का। इन्होंने लिखा है, सिनॉप्सिस और पिच एक ही होते हैं क्या? नहीं, सिनॉप्सिस और पिच दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सिनॉप्सिस और पिच दोनों पर मेरी वीडियोस है मेरे चैनल पर, आप उसे सर्च करके देख सकते हैं। सिनॉप्सिस क्या होता है, जब आप अपने आइडिया को पेज पर उतारते हैं थोड़े अरेंज्ड फॉर्म में, तो उसे सिनॉप्सिस कहा जाता है। उसमें आप कुछ डिटेलिंग देते हैं कैरेक्टर्स के बारे में, क्या घटनाएं हो रही है उसके बारे में, तो इसे सिनॉप्सिस कहा जाता है। और पिच वो चीज़ होती है जिसे देख करके प्रोड्यूसर्स आपके स्टोरी पर, आपके स्क्रिप्ट पर करोड़ों रुपए लगाने के लिए तैयार होते हैं। तो दोनों वीडियोस हैं मेरे चैनल पर, आप डिटेलिंग में समझ सकते हैं, देख के सर्च कर सकते हैं आप यूट्यूब पर। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है करण कुमार कुमार का। इन्होंने लिखा है, भाई अपनी मूवी को प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा के शो में कैसे लेकर जाए, इस पर प्रॉपर वीडियो बनाए, प्लीज़ 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 प्लीज़। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप अपनी फिल्म को कपिल शर्मा में प्रमोट कराना चाहते हैं, तो आपको उस लेवल तक पहुंचना होगा, आपको उस लेवल की फिल्म बनानी होगी। मान लीजिए कि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग करते समय आप बहुत ही कम बजट में फिल्म बनाते हैं, और वो लेवल नहीं हो पाता है फिल्म का कि जो बहुत बड़े बड़े स्टारकास्ट रहते हैं वो आपकी फिल्म से जुड़े। तो जब आपके फिल्म में बड़े बड़े स्टारकास्ट नहीं रहेंगे, तो आपकी फिल्म एक तरीके से देखा जाए तो कपिल शर्मा के शो में जाने के लिए एलिजिबल नहीं होगी। क्योंकि आप ये देखे होंगे कि जब भी आप कपिल शर्मा का शो देखते हैं, तो आप ये देखे होंगे कि कपिल शर्मा के शो में अपनी फिल्म को ले जाने के लिए जो डायरेक्टर्स जाते हैं, जो प्रोड्यूसर्स जाते हैं, या फिर जो एक्टर्स जाते हैं, वो लोग जो रहते हैं वो लोग फुली प्रोफेशनल रहते हैं, और वो लोग स्टार्स रहते हैं। यानी वहाँ पर स्टार्स डायरेक्टर, स्टार प्रोड्यूसर, या फिर स्टार एक्टर्स ही जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को उस लेवल तक पहुँचना होगा, उसके बाद फिर ऑटोमेटिक आपको वहां जाने का रास्ता पता चल जाएगा। यानी कपिल शर्मा के शो वाले ही आपसे कांटेक्ट करेंगे, या फिर आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कांटेक्ट करने का तरीका सेम ही होता है, वो फिल्म डायरेक्टरी से होता है। और जैसे आप उस लेवल तक पहुंच जाते हैं, तो जो रिलेशंस है वो खुद बनने लगते हैं, तो उस समय आपको कोई परेशानी ही नहीं होगी। लेकिन हाँ, याद रखिए कि अगर आप अपने फिल्म को कपिल शर्मा के शो में प्रमोट करना चाहते हैं, तो आपको उस लेवल की फिल्म बनानी होगी। तो फ्रेंड्स, आज मैंने कुछ कमेंट्स को रैंडमली पिक किया। उम्मीद है कि आपको इन सभी के आंसर से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, और आगे भी मैं इस तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा।
तो जल्दी से कर दीजिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। और मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया जिसका नाम है बॉलीवुड को जानो, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उस चैनल में आपको बॉलीवुड से रिलेटेड न्यूज़ मिलेंगी, बॉलीवुड में क्या चल रहा है ये जानने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ जो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड होगी। तब तक के लिए बाय बाय।